डिफिकल्ट रहता है जब आप बैग के साथ ट्रेवल करते हो, क्योंकि काफ़ी कुछ आपको संभालना पड़ता है और कैरी भी करना पड़ता है। अब ये वाली जो मशीन है, इस पर हमें कार्ड स्वाइप करना होता है अपना जो भी अगर हमारे पास है तो। और आप अभी इंडिया के हिसाब से अगर देखोगे तो जो लोकल बसें हैं, अब आप ये वाली बसें आप देखो, वेल क्लीन, बिल्कुल साफ़ सुथरी और फुली एसी बस है। और यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ कि ये जो मेरे बिल्कुल पीछे है ये वाला, यहाँ पे आपको सारा डिस्प्ले होता है, आपकी डेस्टिनेशन कहाँ पे आप जा रहे हो और कहाँ पे आपको जाना है। और आप फ़ोन से अगर आप हेल्प लोगे तो दैट शुड बी बेटर, क्योंकि फ़ोन मैप से आपको मिल जाती है। और यहाँ पे जैसे मैंने पहले भी बताया कि इंग्लिश की बहुत प्रॉब्लम है, और दूसरे जो लोग हैं वो हालांकि हेल्प तो करते हैं लेकिन बहुत टाइम लगता है, तब तक शायद आपका स्टेशन ही निकल जाए। तो आप गूगल मैप से आप हेल्प लीजिए तो आपको जो आपकी जो आपकी डेस्टिनेशन है वहाँ पे रीच करने में बहुत एक ईजी रहेगा। तो मैंने जो पिछली दो सीरीज़ बनाई थी, आपका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुझे, और मैं सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जो भी इंफॉर्मेटिक जो चीज़ें हैं वो बताऊँ, क्योंकि आप अगर कभी रशिया में ट्रैवल करोगे तो ये आप कर सको, इसमें आपकी हेल्प हो। और जैसे आप देख रहे हो कि ये बस, ये डबल बस है, एक बस के साथ उन्होंने दूसरी बस को अटैच किया हुआ है। लेकिन आप अगर रशिया ट्रैवल कर रहे हो तो आप बस में ज़रूर ट्रैवल करिए, क्योंकि ये ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप इंडिया में तो बिल्कुल भी नहीं देख पाओगे। मुझे लग रहा है कि बहुत आगे वाले 500-200 सालों तक नहीं देख पाओगे, और ये आपकी लाइफ भर की एक मेमोरी बन जाएगी यहाँ पर, क्योंकि बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस होता है। तो आप जैसे मैं मेट्रो क्योंकि 12 बजे के आसपास बंद हो जाती है, तो फिर मैंने कोशिश करी थी कल रात जाके बस में भी थोड़ा सा ट्रैवल करा, और टैक्सी में भी करा। टैक्सी में ये रहता है कि आपको वहीं आपको ऐप डाउनलोड करनी होती है, फिर वो रैंडमली आती है, लेकिन थोड़ी सी महंगी है। और वैसे तो मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन फ्री अगर करना है तो भाई इसमें आप कर लो प्रेफर, आपसे कोई पूछने वाला नहीं है। वैसे करना नहीं चाहिए, मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन इनकेस अगर आपको लग रहा है कि आपको थोड़ी सी डेयरिंग करनी है तो आप फ्री में भी कर सकते हो इस कोर्स में। ई पर भी लग रहा है कि आप थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो और कहीं गूगल में प्रॉब्लम आती है, तो आप अपने यहाँ पे जो दूसरे ट्रैवल कर रहे हैं जो यहाँ, उनसे भी पूछ सकते हो। जैसे अभी मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि जो हमारी डेस्टिनेशन आगे वाली है वो शायद गूगल में भी नहीं आई, तो मैं अभी मेरे साथ जो बैठे हुए इनसे पूछने की कोशिश करता हूँ। तो अभी जैसे आपने देखा कि ये जो वाला बंदा है मेरे साथ, अभी उसने बोला कि मैं भी वहीं पे जा रहा हूँ, और ये वहीं पे जब उतरेगा तो उसके साथ ही उतर के, और फिर जो उससे नेक्स्ट वाला है तो मैं ले लूँगा अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन। और एक चीज़ और कि आपके सारे मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड और जो चिप कार्ड होते हैं जो कि इंटरनेशनल होते हैं, वो आप यहाँ पे बस में स्वाइप कर सकते हो अगर आपको जब आप पे करने जा रहे हो। और ये वाली जो मशीन है, यहाँ पे आपको सिर्फ अपना कार्ड स्वाइप करना है, तो अपने आप ही जो आपका जो डेस्टिनेशन का जो रेंट होगा वो उसमें कैबिन हो जाएगा। और बाकी कुछ ऐसा नहीं है कि आपको पहले से कोई टिकट बाई करनी है या ऐसा कोई, जैसे हमारे इंडिया में होते हैं बस, यहाँ के लोग बहुत ही ऑनेस्ट हैं, और हर एक बंदे के पास अपना पहले से बनाया हुआ कार्ड रहता है जो उनका ट्रेवलिंग कार्ड होता है। जैसे ही वो बस में एंटर करते हैं तो सबसे पहले वो जो मैंने आपको दिखाया है कुछ मशीन में वो उसको स्वैप करते हैं, तो ऑटोमेटिकली जिस डेस्टिनेशन पे वो उतरेंगे वो उस कार से वो उतने पैसे वो डिडक्ट हो जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी एक सुविधा है। और फ्रेंड्स, रशिया एक बार ज़रूर आना लाइफ में, क्योंकि
स्पेशली मॉस्को में और सेंट पीटर्सबर्ग में, हालांकि बहुत बढ़िया है रशिया और मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग, क्योंकि मॉस्को जो इसकी कैपिटल है और बहुत बड़ी एक कैपिटल बोल सकते हो और बहुत वेल मेंटेन्ड है। मैं आपको थोड़ा सा बाहर का भी दिखाता हूँ। मेरी जिंदगी का बहुत ही एक मेमोरेबल मोमेंट रहा है दूसरी बार मॉस्को। हालांकि मैंने लंदन में भी ट्रैवल किया और लंदन में भी बहुत बहुत फैसिलिटीज़ हैं, बहुत हेरिटेज टाइप बना हुआ, ये भी उसके कंपेरेबल बहुत बढ़िया बना हुआ है मॉस्को। और आपको यहाँ पे आप बिंदास मस्ती कर सकते हो, नाइट लाइफ यहाँ पे इंजॉय कर सकते हो और दिन में यहाँ पे आप रशियन रेस्टोरेंट में जाके फूड इन्जॉय कर सकते हो, जो मैंने और हमारे फ्रेंड ने बहुत सारा इन्जॉय करा। अब मेरा स्टेशन आ गया और मेरे साथ वाले बंदे ने मुझे बता दिया तो मैं जल्दी से बाहर ही निकल पाऊँ क्योंकि मुझे दूसरे बैग भी नहीं है। तो अभी फाइनली मैं अपने दूसरी स्टेशन पर उतर गया, अभी यहाँ से मैं बस लूँगा जो नेक्स्ट हमारी ऑर्बर स्ट्रीट के लिए, यहाँ पर अभी मैं जा रहा हूँ क्योंकि ऑर्बर स्ट्रीट है जो मॉस्को में सबसे बिंदास स्ट्रीट है और सबसे महंगी स्ट्रीट है और सबसे बढ़िया स्ट्रीट है।